गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सर प्रकाश चंद परियार और डीपीएस खेजला के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर रफ नोटबुक बुक अ पेन एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। चैप्टर हमारा चल रहा था फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है जिसमें न्यूमिनेटर और बीच में डिविजन लाइन और नीचे डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो चल रही थी 2.3। इसका जो क्वेश्चन है हमने फर्स्ट और सेकंड कर लिया था, आज हम करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 63। प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं? जब किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे जब उनका आंसर आता है तो उस आंसर को प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। किसके बोलते हैं? प्रोडक्ट। जब किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 63 इफ वन ऑफ देम इज, मान लो कोई दो नंबर थे, ठीक है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 63, इफ वन ऑफ देम इज टू एंड वन बाय टू, फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, तो दूसरा नंबर निकालना है। मान लो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है 63। ठीक है, उसमें से वन नंबर है आपके पास में है 2 and 1/4। इसको सिंपल लिख लो मैं, 4 2 जा 8 और 1 9/4, 1 9/4 है। तो दूसरा बताओ क्या होगा, अदर नंबर क्या होगा? अदर नंबर पता नहीं है, अदर नंबर हमें पता नहीं, तो मान लो x होगा। ठीक है, तो बताओ इन दोनों का प्रोडक्ट ये है, तो लिख लो आप x मल्टीप्लाई 9/4, इन दोनों का प्रोडक्ट है 63। ठीक है, दूसरा नंबर अदर नंबर में पता नहीं, तो उस अदर नंबर को x मान लिया। अब इन दोनों नंबर का फर्स्ट और सेकंड नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इनका आंसर प्रोडक्ट क्या आता है, 63। तो देखते हैं, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए यानी अदर नंबर चाहिए, तो x बराबर 63 यही रखो। ये जो है फ्रैक्शन यहां मल्टीप्लाई हो रही, तो यहां क्या होगा, डिवाइड होगी। जब लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रही थी फ्रैक्शन, उस तरफ ले जाएंगे तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और हम फ्रैक्शन ही पढ़ रहे हैं, 63 को भी फ्रैक्शन बना दो। मैंने आपको बताया था दो फ्रैक्शन कब डिवाइड होती है, डिवाइड होती ही नहीं है, तो उसको क्या करते हैं, 63/1 डिवाइड का आप चेंज कर लो मल्टीप्लाई 9/4। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी 4 ऊपर आ जाएगा 9 नीचे चला जाएगा। ठीक है, बाकी वाला मैं यहां करता हूं। तो आपके पास में बचा है देखो x इक्वल्स टू क्या बचा, 63 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से। आप देख लो कोई कट रही है क्या संख्या, तो ये 9 कट रहा है 7, 9 के टेबल में 9 वन टाइम आता है और 63 7। ठीक है, अब कोई संख्या ही नहीं बची है, तो x है 7 और 4 नीचे 1 × 1 28, यानी वो क्या संख्या है, 28 है। अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर क्या होगा, 28। दूसरा नंबर क्या था, 28 था। ठीक है, अब आप कॉपी करें, अच्छी राइटिंग के साथ इसको कॉपी करें अपनी नोटबुक में, और डायरेक्ट फेयर में कोई नहीं लिखेगा, सबको रफ में करना है।
फटाफट अपना आंसर लिखें। फटाफट कॉपी करें, इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्या था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर था 63। प्रोडक्ट का मतलब दो कोई दो संख्याओं को जब मल्टीप्लाई किया तो उनका आंसर आया 63। एक नंबर आपको बता दिया था 2 and 1/4 को मैंने जब सरल किया सिंपल किया तो 9/4 आया। अदर नंबर हमें पता नहीं है, पूछा है भाई अदर नंबर निकालो, तो मैं जब पता नहीं है तो मैंने उसको x मान लिया और मेरा जो पहला नंबर x था और उस दूसरा 9/4 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 63 आया। ठीक है, तो अब देख लो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, 63 को अपॉन 1 कर दिया, ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो उस तरफ होके डिवाइड होगा ये। ठीक है, काट छाट करके हमारा आंसर क्या है 28, यानी दूसरा नंबर क्या था 28 था। बढ़ते हैं आगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 12। देखो सेम रिपीट हो रहा है, ऐसा करो फोर्थ में आपके लिए छोड़ देता हूं, सेम नंबर है, सेम है क्वेश्चन, फिफ्थ में करवा देता हूं। ठीक है, तो फोर्थ आपको होमवर्क में करना है, फिफ्थ में करवा लेता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन फिफ्थ करवा रहा हूं, फोर्थ आपके लिए होमवर्क होगा। बाय व्हाट नंबर शुड 36 बी मल्टीप्लाई टू गेट, यानी 36 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर क्या है 18। तो मैं क्या मानूंगा, लेट दैट नंबर बी एक्स, मान लो वो नंबर एक्स होगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ सॉरी बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, यानी 36 अपॉन 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमें वो नंबर पता नहीं है, मैंने वो नंबर x मान लिया, 36/7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो नंबर हमें पता नहीं है x मान लिया कि हमारा मल्टीप्लाई टू गेट 18 कि हमें हमारा आंसर क्या है 18 आए, यानी 36/7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर आए 18। तो हमें चाहिए ये नंबर, यानी किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, तो x इक्वल्स टू 18। देखो किसी की प्लेस चेंज हुई क्या, x वही है, इक्वल टू भी वही है, 18 भी वही है, जगह किसकी चेंज कर रहे हैं 36/7 की। तो यहाँ ये जब मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हो रहा था तो उस तरफ वो क्या होगा डिवाइड। हमने ये रूल्स पढ़े थे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कोई जाता है तो जहां वो मल्टीप्लाई हो रहा था वहां वो डिवाइड होगा। ठीक है, अब आप इसको भी फ्रैक्शन बना दो, 18/1 डिवाइड का चेंज कर दो मल्टीप्लाई, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगी, 7/36 बन जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x इक्वल्स टू 18/7 और 1/36। अब देखो 18 की टेबल में ये दोनों आते हैं, 18 की टेबल में 18 वन टाइम और 36 टू टाइम, अब सारे कट गए कोई नहीं कटेगा, तो x इक्वल्स टू 1 7 जा 7 और 1 2 जा 2, तो 7/2 आया, 7/2 आंसर आया। इससे भी आगे आप लिख सकते हो, देखो 2 को डिवाइड करो 7 से, 3 2 जा 6 1, तो आप QRT फॉर्म लिख सकते हो आप, है ना, QRT क्या होगी इसकी, क्वेश्चन पहले आएगा 3, रिमाइंडर ऊपर और डिविजर 2,
तो इसके भी आगे 7/2 का आंसर क्या है, 3 and 1/2। अब आप कॉपी करें, सारा काम रफ में होना चाहिए, ठीक है। और रफ में अब देखो, जैसे मैंने डायरेक्ट फिफ्थ करवा दिया, तो अगर आप फेयर में करोगे तो आपका क्रम जो सीरियल है वो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको किस में काम करने के लिए बोला है, रफ में करने के लिए बोला है, ठीक है। तो फटाफट करें आप। तो रफ नोटबुक में अपना काम करें आप फटाफट। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, केवल डिजिट चेंज कर दी है, मेथड वही रहेगा। अब थर्ड क्वेश्चन को लेके बैठ जाना, उसको देखते देखते फोर्थ वाला करना, आप आसानी से उस फोर्थ वाले क्वेश्चन को कर पाओगे बिल्कुल आसानी के साथ, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूं, होमवर्क में आपको करना है क्वेश्चन फोर्थ, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 12, कोई दो संख्या है उनका प्रोडक्ट कितना है, 12 है, और वन नंबर क्या है, वन नंबर है 4 and 1/8। 4 and 1/8 को आप सिंपल कर लो, 8 की टेबल 4 टाइम बोलो तो आएगा 32, 32 में 1 प्लस करोगे 33 अपॉन 8, तो सिंपल हो जाएगी फ्रैक्शन, तो 33 अपॉन 8। फाइंड द अदर नंबर को आप मान लो x, अदर नंबर को मान लिया x, तो 33 अपॉन 8 मल्टीप्लाई x और इक्वल्स टू क्या आया, 12, या x इक्वल्स टू उस फ्रैक्शन को उस तरफ ले जाओ, मल्टीप्लाई हो रही तो वहां वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की जो हमने क्लास है, हमने कितने क्वेश्चन सीखे, थर्ड और फिफ्थ। फोर्थ वाला मैंने क्या रखा, आपके होमवर्क लिखा, क्यों, क्योंकि ये थर्ड और फोर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट है, सेम है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, आराम से कर पाओगे। तो फिर मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा, कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।